हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की भी ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ही है, हमेशा की तरह लेके आ गया हूं कुछ नया। अब क्या नया है आइए आपको दिखाता हूं। ठीक है, देखिए यहां पर मैं कुछ लिखने वाला हूं, ठीक है, और जब मैं लिखूंगा तो कुछ होगा, कुछ मैजिक होगा। वो मैजिक क्या होगा आइए देखते हैं। सबसे पहले तो यहां क्लिक करते हैं और यहां लिख देते हैं रोल नंबर। ये लिख दिया रोल नंबर, तो ये हो गया रोल नंबर। और यहाँ पे रोल नंबर आएगा तो यहाँ 1 लिखते हैं, फिर एंटर करते हैं, 2 लिखते हैं और इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं और ड्रैग करते हैं। तो यहाँ पे ये सारा रोल नंबर आ गया है। अब इसमें कुछ नया तो दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं क्यों कह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ नया होने वाला है, समझने वाली बात यही है। तो यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट भी लिखा और एंटर किया और यहाँ पे स्टूडेंट के नाम आएंगे। तो यहाँ पे राम श्याम करके कुछ नाम लेके आ जाते हैं हम। यहाँ पे लोकेश, सुमित, अमित, ये देखिए इस तरीके से, ये हो गया अमित, ये हो गया रितेश, नीचे आएंगे रितेश कर देते हैं, उसके नीचे आएंगे नितेश कर देते हैं, उसके नीचे आएंगे सुजीत कर देते हैं, उसके नीचे आएंगे यहाँ पे पीपी एक और नाम लिख देते हैं। तो ये हो गया। और यहाँ पे सब्जेक्ट 1, 2, 3 लेके आएंगे। तो अभी तक तो इसमें कुछ नया दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन अब दिखाई पड़ेगा आपको नया। ठीक है, अब देखिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर इसे पकड़ा हमने और यहां से ड्रैग कर देंगे तो 5 सब्जेक्ट आ गए। आप चाहे तो 6 कर लीजिएगा, इधर ड्रैग कर दीजिएगा, 6 सब्जेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, और अब हम क्या करना चाहते हैं, यहां पर रैंडम नंबर जनरेट करना चाहते हैं एक ही साथ। कैसे करेंगे, तो इज इक्वल टू रैंड बिटवीन लगाइए, रैंड बिटवीन, एक ही साथ सब जगह आ जाएगा। कैसे आएगा, रैंड बिटवीन लगाया, सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर दे करके ब्रैकेट को क्लोज करके डोंट प्रेस एंटर, यू हैव टू प्रेस कंट्रोल एंटर। तो जैसे ही कंट्रोल एंटर करेंगे तो एक ही साथ आ जाएगा। एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या, तो दूसरा जो मेन जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं वो चीज देखिएगा आप। अब यहाँ पे टोटल भी कर लेते हैं, एक लास्ट अब बचा है, टोटल ही कर देते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हुआ इसमें। एंटर करते हैं, इज इक्वल टू का निशान लगाते हैं, सम का फंक्शन लगाते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहां से इसे सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद बंद करते हैं, एंटर करते हैं और एंटर करने के बाद इसे ड्रैग करवा लेते हैं, देखते हैं कि अब क्या काम इसमें हुआ है, क्या कुछ इसमें नया हुआ है वो देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बॉर्डर भी लगा लेते हैं, कंट्रोल ए करके अल्ट एच बी ए करेंगे तो बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अब इसका फायदा क्या हुआ, तो फायदा ये हुआ कि इस शीट पे आइए, यानी हम अभी शीट नंबर 1 पे थे, अगर शीट नंबर 2 पे आते हैं तो डेटा यहां पर भी इंसर्ट हुआ है, और अगर शीट नंबर 3 पे जाते हैं तो डेटा यहां पर भी हुआ है, और शीट नंबर 4 पे जाते हैं तो यहां पर भी हुआ है, लेकिन 5 पे नहीं हुआ है, क्योंकि यहां पर जितनी शीट मैंने इंसर्ट कराई थी केवल ये उन्हीं पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहां से अगर मैं 5 पे जाता हूं तो ये 5 पे नहीं अप्लाई होगा, जो शीट ओपन होगी यहां पे ये केवल उसी पे अप्लाई होगा। और ये हुआ कैसे, ये मैजिक हुआ कैसे, इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे शीट पे जाना। जैसे ये 5वीं शीट पे तो अप्लाइड है नहीं, तो यहाँ शीट नंबर 5 पे जाता हूं और यहां पर नीचे मिलेगा आपको सेलेक्ट ऑल शीट्स, तो इसके लिए हमें और भी शीट्स की जरूरत लगेगी। जैसे हम 5 के बाद 6 इंसर्ट करा लेते हैं, चाहे तो 7 भी करा लीजिए। अब इन तीनों पे तो कुछ नहीं है, देखिए यहां पर डेटा हमारा इन तीनों पे नहीं है, जबकि 4 वाले पे वही 1 वाला डेटा 4 वाले पे कॉपी हो गया है। लेकिन ये हुआ कैसे है वही बताना चाहता हूं। देखिए यहां पर शीट नंबर 5 पे हम गए और यहां पर कुछ टाइप करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं टाइप करता हूं नेम ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन ऐसे नहीं टाइप करना है आपको, ये भी ध्यान रखिएगा, आपको ऐसे नहीं टाइप करना है। पहले शीट नंबर 5 पे जाइए और यहां पर देखिए सेलेक्ट ऑल शीट्स दिया है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहां पर टाइप कीजिए नेम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये टाइप किया नेम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स कर देते हैं और यहां पे अब यहां पे लिखता हूं मैं कीबोर्ड, KEYBOARD, कीबोर्ड हो गया। फिर एंटर करते हैं, यहां पे लिखते हैं माउस, यहां पे माउस हो गया। फिर एंटर करते हैं, यहां पे लिखते हैं बारकोड रीडर, READER। तो ये लिख दिया, तो ये तीन नाम हमने लिखे हैं और बाकी इसको इस तरीके से कर दिया है, सही कर दिया है। तो अब देखते हैं कि सीट नंबर 6 पे आया है या नहीं आया। तो देखिए सीट नंबर 6 पे भी है, सीट नंबर 7 पे, लेकिन सीट नंबर 8 पे नहीं आएगा क्योंकि ये इंसर्टेड नहीं था, तो 8 पे नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं ये ट्रिक अच्छी लगी होगी और इसको कैसे करना है ये भी आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा,